हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसी फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बरबटी और सोयाबीन का भुजिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बरबटी को ले लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ना है। इसे आपको ऐसे तोड़ना है, जिसे एक तरफ तोड़ेंगे हल्का सा तो खुद उसके जो रेशे हैं वो निकल आएगी। फिर आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तोड़ना है और ऐसे करके आपको सारे जो आप बनाओगे उसके रेशे फ्री कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने भुजिया को ऐसे ही बनाना है। ये जो बरबटी है, आप इसे अपने लैंग्वेज में क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और स्क्रीन पे आपको जो मेरी इंस्टाग्राम ट्विटर की आईडी दिख रही है, आप वहाँ पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मसाला में हम लोग लेंगे लहसुन, जीरा, मिर्च, थोड़ा सा अदरक और प्याज। ठीक है, मसालों को तैयार कर लेंगे और इधर कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और उसमें हम लोग डालेंगे सोयाबीन। तेल को आपको ज़्यादा गर्म करना है और सोयाबीन को धोकर गर्म पानी में डालना है। आपको इतना फ्राई करना है कि तो यहाँ पे हम इसे फ्राई करेंगे और ये 2 मिनट के लिए आप चाहे तो ढक दें। नमक देने के बाद क्या होता है ना कि सोयाबीन के अंदर तक नमक चली जाएगी अच्छे से। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और फिर से डालेंगे कढ़ाई में तेल, फिर थोड़ा सा डालेंगे मेथी। दोस्तों, स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिख रही है, आप वहाँ से किचन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। डॉक्टर का कहना होता है कि हल्दी को पकाकर खाना चाहिए, तो हम लोग हल्दी को तेल में ही डाल के पका लेते हैं और फिर उसमें डालेंगे हम लोग बरबटी को और इसे अच्छे से आपको मिलाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि बरबट्टी आसानी से सीज जाए। और दूसरी बात दोस्तों, बरबट्टी क्या होता है ना कि अगर आप इसे मतलब थोड़ा तेज आंच पे अगर फ्राई कर रहे हो तो ये जल्दी सीजती नहीं है। इसे आपको क्या करना है कि धीमी आँचों पर बिल्कुल 5 मिनट तक के लिए इसे ढक देना है। नमक देने के बाद क्या, इसमें थोड़ा सा पानी जैसा खुद छोड़ेगी और फिर ये आसानी से सीज जाएगी। अगर आप मर्चा खाने के शौकीन हो तो आप मर्चा को बीचों बीच जैसे चीर लें, फाड़ लें और फिर उसे डाल दें। ठीक है, यह मर्चा जैसे का तैसे रह जाएगा। बाद में आप इसे निकाल कर नमक के साथ काला नमक में डुबा कर खा सकते हो, काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे लहसुन भी डाला था क्योंकि मुझे कच्ची लहसुन का वो कली पसंद है, तो वो आप चाहे तो आप भी डाल सकते हो। 5 मिनट ढकने के बाद आप खुद देख सकते हो कि इसकी कलर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक, अब हम लोग इसे बीच में गैप करके डालेंगे मसाला और मसाला को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ठीक है, और फिर इसे हम लोग 1-2 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आँच पर। ठीक है, 2 मिनट बाद हमारा मसाला जो थोड़ा सा खुद थोड़ा सा बिल्कुल फ्राई हो जाता है, तो उसका टेस्ट ना और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसमें डालेंगे सोयाबीन और इसे अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। और इसमें दोस्तों एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे हल्का सा पानी। तो आप पानी पहले डाल लें या फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद डालें, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर पहले ही डाल लेते हैं पानी क्योंकि हमारा मसाला 2 मिनट तक वैसे भी फ्राई हो चुका था। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। और ढकेंगे इसलिए ताकि जो सोयाबीन हो इसमें रस अच्छे से चले जाए और जो बरबट्टी है वो भी काफ़ी अच्छे से सिज जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया था। अगर आप बरबट्टी को उबाल लेते हो तो फिर आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हम लोग अच्छे से फ्राई करके इसके पानी जो है उसे सुखा देंगे। इसे आप हाई फ्लेम पर फ्राई करते रहना है, ये खुद थोड़ी देर में पानी इसकी सूख जाएगी और उसकी कलर भी चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, अब हमारे जैसे ये भुजिया है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका पानी भी सूख चुका है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप अपने तरीके में कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, ये थंबनेल के लिए था। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे और भी सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इन सारे वीडियोज का, तो एक बार ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।